हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं रिपेयरिंग एंड आईटी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्टो 800 BSX 2020 का जो BXI मॉडल है उसमें हमें टूल बॉक्स, उसके जो जैक होते हैं, रिंच होते हैं, उन्हें कहाँ पे रखना होता है। एक्चुअली अल्टो कार में ये सब रखने के लिए नीचे जगह दी होती है जहाँ पर हमारा स्पेयर व्हील होता है, पर बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। और ये हैं इसके सारे टूल, इसका जैक है, ये इसका हमारा वार्निंग ट्राइंगल है, और वहाँ पे हमारा रिंच है और हमारा एक्सटेंशन है जो कि जैक को खोलने में मदद करता है। अब कई बार होता है कि हम लोग ये सारे टूल्स अपने ऐसे ही पीछे रखे रहते हैं, और जब गाड़ी गड्ढों में जाती है या उबड़ खबड़ रास्तों पे चलती है तो ये जो जैक हैं और ये टूल बॉक्स वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं पीछे से। तो इन्हें रखने के लिए प्रॉपर एक नीचे जगह होती है हमारे इस प्लेटफॉर्म के नीचे। अगर हम अपने टूल बॉक्स को रखेंगे तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं और बहुत ही सही जगह है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे वो जगह है, हमें इसको ओपन करना होता है, इसे हमें बाहर ही रखना होगा। व्हील को भी ओपन करेंगे, ये इसका लॉक है, तो इसी लॉक को हम घुमा के इस जगह को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम खोल लेंगे, अब इस स्पेयर व्हील को हम बाहर रख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रख लिया है स्पेयर व्हील को, अब चलिए हम उस जगह की बात करते हैं जहाँ पे हमको अपने, तो ये देखिए यहाँ पे एक आप खांचा देख रहे होंगे, ये लॉक टाइप का है, और यहाँ पे भी आपको दो खांचे टाइप के देख रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जैक आएगा, तो चलिए देखते हैं उस जैक को कैसे लगाना है। तो ये हमने जैक ले लिया है, गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ आती है वो इसी जैक की होती है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे पूरा हम डाउन रखेंगे, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा डाउन रहेगा। तो डाउन करने के लिए हम इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, और इसके बाद जो इसका ये वाला पोर्शन है हमें यहाँ पे फंसाते हुए इसको लगाना है। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें जाए, ठीक है। ये दो आप देख सकते हैं उभरा हुआ है, तो ये दोनों इस चीज़ को फंसाने के लिए है। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ये हमारा लग गया है। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें खोल देना है, ठीक है। ये जहाँ से हमने इसे लॉक किया था इसी की हेल्प से हम इसे खोल देंगे। खोलने पे क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो इसमें जाकर लॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, और दूसरे हाथ से हमें इसको ऐसे पकड़ के रखना है जिससे कि इसका अलाइनमेंट बाहर ना जाए। चलिए हम इसको खोल लेते हैं, बहुत टाइट हो ओपन करने में, हाथों की सहायता से ये ना ओपन हो तो हम इसके टूल्स का यूज करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से लग गया है, अब ये कहीं नहीं जाने वाला है, और जब गाड़ी गड्ढों में जाएगी तो ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेगा। और जैक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग हम बार बार नहीं करते हैं, जब टायर पंचर हो जाए तभी हमें इसका उपयोग ना होता है, तो ये यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो यहाँ पे कोई नीचे कपड़ा भी रख सकते हैं जिससे कि इसका जो पेंट है वो ना निकले, क्योंकि ये बार बार लगाने और निकालने पर यहाँ पर हो सकता है कि इसका पेंट निकल जाए। तो अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको बताया है, मैं यहाँ पर फिर नीचे कपड़ा भी रख दूँगा। एक्चुअली कपड़ा हमें पूरा इसके नीचे ही रखना होगा, क्योंकि बार बार निकालेंगे और रखेंगे तो इसका जो पेंट है वो निकल जाएगा। तो आप एक कपड़ा भी यहाँ पे नीचे बिछा सकते हैं। तो चलिए हमारा जैक लग गया है, जैक के लग जाने के बाद हम इसका जो स्पेयर व्हील है इसे उठा के यहीं पे रख देंगे। यहाँ पे इसका लॉक हमारा लगेगा, ये रहा इसका लॉक। और लॉक लगाने का जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ कि हमेशा आपको ये लॉक जो है वो सीधा होना चाहिए, तिरछा आपको नहीं लगाना है। तिरछा लगा देंगे तो इसकी जो ये थ्रेड आप देख रहे हैं ये ख़राब हो जाएगी। तो ये हमने अभी पूरा इसको टाइट नहीं किया है, क्योंकि अभी हमको इसके अगल बगल दो टूल्स और रखने हैं। तो ये है इसका वार्निंग ट्राइंगल, इसका उपयोग तब किया जाता है जब गाड़ी ख़राब हो जाए या पंचर हो, हम हाईवे में हो या रोड किनारे हो, तो हमें गाड़ी के चारों तरफ इसे लगाना होता है। तो इसे आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए बड़े अच्छी तरीके से ये लग गया है। और हमारा ये टूल बॉक्स है तो इसे भी हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये खुला है तो इसका लॉक हम लगाएंगे। देखिए इस तरह के वीडियोज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको भी जानकारी हो और आप उसको आगे तक बढ़ा सकें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो उसे हमें आगे तक बढ़ाना होता है। तो हम इसे भी रख देंगे, ये देखिए, और इसके बाद हम ये लॉक को टाइट कर देंगे। ये देखिए ये भी हमारा लॉक
तो आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स वगैरह अच्छी तरह से रख गए हैं। उसके बाद हम अभी ये प्लेटफॉर्म लगा लेंगे, तो प्लेटफॉर्म लगाना बहुत ही आसान है। आशा करता हूँ यहाँ तक अभी आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और कोई डाउट है अल्टो से रिलेटेड या इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पीछे हमारा बूट स्पेस खाली खाली लग रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।